गाइस मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप नाम की एक कोरियन मूवी आई है जिसे देखने के लिए आपको लमसम 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। इसकी कहानी हाई स्कूल ड्रॉप आउट गो ते इल नाम के एक लड़के की है जो अपनी माँ की बात ना मानकर एक चाइनीज रेस्टोरेंट में काम करने लगता है जहाँ पे उसकी मुलाकात कुछ और लोगों के साथ अपने डॉनली भैया से भी होती है। और वहीं पर दूसरी तरफ उसका दोस्त अपने दादी का ख्याल रखने के लिए प्राइवेट लोन रिकवरी का काम शुरू कर देता है। अब जब ये लोग अपनी लाइफ खुद के हिसाब से जीने लगते हैं तो इनके अडल्टहुड में इन्हें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग, मूवी में की गई कॉमेडी और अपने डॉनली भैया का पन, ये सब देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मेनली डायरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच की केमिस्ट्री मुझे पसंद आई। मैं सोच रहा था अगर इनके बीच में कोई रोमांटिक एंगल प्रेजेंट करते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर आपको एक अच्छी सी एक्शन कॉमेडी मूवी देखनी है जिसका कोई अच्छे से मीनिंग निकले तो आप लोग इसे अपने फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं।